हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अभिषेक। आज की इस वीडियो में लेके आप लोग के लिए ट्रूक बर्ड्स F1 अल्ट्रा जो कि लेटेस्ट लॉन्च है, 999 रुपीज़ की प्राइस रेंज में आता है। इसे हम कंपेयर करेंगे विंग्स के फैंटम 345 जो कि सेम 999 रुपीज़ की प्राइसिंग में आता है, साथ ही में बोल्ट के X30 ऑडियो के साथ जो कि लगभग 1000 से 1100 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट करता है, यानी कि लगभग तीनों ही सेम प्राइसिंग में। तो आज के स्टूडियो देखेंगे तीनों में से कौन सा TWS सबसे बेस्ट निकल के आता है 1000 रुपए के प्राइस रेंज में। इस वीडियो में वीडियो के अंदर वीडियो को लाइक ज़रूर शुरू कर देना। फ्रेंड्स, ये है ट्रूक का बर्ड्स F1 अल्ट्रा। यहाँ पे तीनों के ही बॉक्स को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। इसका यहाँ पे ये देखने को मिलता है, फिलहाल बॉक्स को हम साइड में रखते हैं। बोल्ट के X30 की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में आता है। यहाँ पे फिलहाल इसे भी मैं साइड में रख लेता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा विंग्स का फैंटम 345। तो ये कुछ इस तरीके से तीनों के ही बॉक्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स बॉक्स का ओपनिंग की बात। अब बात किया जाए तीनों के डिज़ाइन की, तो यहाँ पे जो विंग्स का फैंटम 345 है 1000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में आता, और ऐसा ही सेम ट्रूक ने भी लॉन्च किया था फ्रेंड्स यहाँ पे। तो बट फिलहाल हम F1 अल्ट्रा के साथ कंपैरिजन करेंगे बिकॉज ये लेटेस्ट लॉन्च यहाँ पे प्रोडक्ट है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन देखने को मिलता है यहाँ पे, और अंदर की तरफ LED आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जैसे लगाएंगे देख सकते हैं 00 फिलहाल लिखा रहे बिकॉज बैटरी नहीं है इसके अंदर, बट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन में आता है। यहाँ पे बर्ड्स F1 अल्ट्रा की बात की जाए तो ये ट्रूक का यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही रिच फील देता है यहाँ पे। सिंपली ये वाला जो ट्रूक का ब्रांडिंग है फ्रेंड्स, ये भी LED लाइट्स के साथ आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लो होने लगा, तो ये भी मतलब बहुत ही अच्छा है, LED लाइट यहाँ पे ग्लो हो जाता है। वही लास्ट बट नॉट द लिस्ट ट्रूक बोल्ट के X30 की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये थोड़ा सटल, थोड़ा ऐसा लगता है प्रीमियम टाइप थोड़ा फील आता है यहाँ पे। है तो प्लास्टिक की पॉलीकार्बोनेट बट फील अच्छा खासा दिया गया है यहाँ पे, बोल्ट के ब्रांडिंग के साथ आता है। अब तीनों के मैं TWS को निकाल के मैं फिलहाल के लिए बाहर रख देता हूँ कि दिखाओ किस तरीके से सारा ही TWS देखने को मिलता है। तो ये है हमारा सबसे पहले विंग्स का फैंटम 345 कुछ इस तरीके से। अब पूरा का पूरा एक ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है। हेड है यहाँ पे कर्व में रखा गया है, LED लाइट्स लगाया गया है, विंग्स का ब्रांडिंग है, और ईयरबड्स को स्लाइटली एंगल पर रखा गया ताकि ईयर्स में कंफर्टेबली तरीके से फिट हो जाए। कॉर्ड माइक के साथ आता है, यानी कि एक में दो माइक्रोफोन, इसमें दो टोटल कॉर्ड माइक्रोफोन है। 13mm का ड्राइवर साइज यहाँ पे देखने को मिलता है। बात किया जाए बोल्ट ट्रूक के बस F1 अल्ट्रा की, तो यहाँ पे भी LED लाइट्स देखने को मिलता है। टच के कंट्रोल सेंसर के साथ आता है, ये भी स्लाइटली एंगल पर रखा गया ये बस को ताकि कान में फिट हो जाए। और ये भी आता है फ्रेंड्स 13mm के ड्राइवर साइज़ के साथ। तो सेम विंग्स का 345 और ट्रू का F1 अल्ट्रा सेम ड्राइवर साइज़ के साथ आता है। वहीं बात किया जाए विंग्स बोल्ट के X30 की, तो इसका जो स्टेम साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी LED लाइट है, ये भी कॉर्ड माइक के साथ आता है। तो तीनों की माइक्रोफोन की बात करूँ, तीनों ही कॉर्ड माइक्रोफोन के साथ आता है, बट इसकी ड्राइवर साइज़ की बात करें तो ये 10mm के ड्राइवर साइज़ के साथ आप लोग को देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरीके आप लोग मेजर कर सकते हैं। बाकी लगभग जैसे कि मैं तीनों को ही सिंगल पीस को ले लेता हूं, तो ये देख सकते हैं कि तीनों कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बात की जाए विंग्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश है। और वहीं ट्रूक की बात की जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा ग्लॉसी नहीं बट एक प्रीमियम रिच टाइप फिनिश देखने को मिलता है। और वहीं बात की जाए बोल्ट के X30 की, तो ये यहाँ पे मैट फिनिश बट यहाँ पे बोल्ट के डिज़ाइन के साथ और रिंग गोल्डन फिनिश जो कि थोड़ा सा एलिगेंट बनाता है। तो अगर मैं डिज़ाइन वाइज की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे बोल्ट को रखूँगा, सेकंड पे ट्रूक के बर्ड्स F1 अल्ट्रा को, थर्ड पे यहाँ पे विंग्स के फैंटम 345 को। बाकी माइक्रोफोन तीनों का ही सेम देखने को मिलता है, तीनों ही ENC के साथ आता है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन के साथ। बोल्ट एक ट्रूक के बर्ड्स F1 अल्ट्रा की बात की जाए तो यहाँ पे ये एक चीज़ में आगे निकलता है जो कि है बैटरी बैकअप। तो ये यहाँ पे स्टैंड आउट करता है बिकॉज ये आता है 60 आवर्स तक का सिंगल प्ले चार्ज के साथ यहाँ पे आउटपुट, यानी कि एक बार चार्ज करेंगे चार्जिंग केस को 60 घंटे तक का आप लोगों को आउटपुट देगा, कंपनी क्लेम करती है। ऑब्वियसली 50 आवर में पकड़ के चल रहा हूँ। वही बात की जाए विंग्स के फैंटम 345 की, तो ये देगा लगभग 50 घंटे के आउटपुट के साथ, तो लगभग 10 आवर कम
कम है यहाँ पे बोल्ट ट्रू के बस F1 अल्ट्रा से, और बोल्ट X30 की बात करें तो ये 40 घंटे। तो ये ऑर्डर वाइज की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से इसको ऑर्डर में रखा जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले आएगा ट्रू का बस F1 अल्ट्रा जो कि 60 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देता है, फिर आएगा विंग्स का फैंटम 345 50 आवर्स तक का, और ये यहाँ पे बोल्ट X30 जो कि फ्रेंड्स 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम देता है। बाकी वो बात की जाए गेमिंग की तो यहाँ पे विंग्स और ट्रूक का बस F1 अल्ट्रा दोनों ही सेम 40 मिलीसेकंड तक आता है, वहीं बोल्ट ऑडियो यहाँ पे 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी के साथ आता है। तो यहाँ पे ये कुछ हो गई फ्रेंड्स गेमिंग की आउटपुट की बात। बाकी प्रीसेट्स इक्वलाइजर मोड आप लोगों को विंग्स में भी मिलेगा, ट्रूक में मिलेगा। ट्रूक का बस इक्वलाइजर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, आप जैसे प्रीसेट रखना चाहेंगे वैसे रख सकते हैं और इक्वलाइजर में आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी बात किया जाए इसके कॉलिंग आउटपुट की तो तीनों का ही लगभग सेम है। ट्रूक का थोड़ा सा मतलब मैं हाइंडसाइड पे थोड़ा सा अच्छा मतलब कहूँगा कि यहाँ पे कि जो सामने वाले को वॉइस है ना आपका ज़्यादा तेज़ी तरीके से लाउडर तरीके से सुना जाता है, ऐसा नहीं कि बाकी दोनों में कम सुना देता, बट एज़ कंपैरिजन यहाँ पे ट्रूक का मैं थोड़ा सा मतलब 0.2 से मतलब परसेंटेज में इसको आगे रखूँगा यहाँ पे। बाकी बैटरी लगभग सेम ही है। कॉलिंग और म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में भी लगभग से लगभग ये जो बोल्ट का ऑडियो X30 है ये 10mm के ड्राइवर साइज़ के साथ आता है, बट यहाँ पे ये भी कम्पीट करता है फ्रेंड्स। ऐसा लगेगा नहीं कि आप लोगों को म्यूज़िक में कोई की सेपरेशन पता चलेगा कि हाँ ये लाउडनेस कम है, तीनों का ही लाउडनेस काफ़ी है। इनफैक्ट कि ट्रूक का जो F1 अल्ट्रा इसका लाउडनेस थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विंग्स और बोल्ट से यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से है। बाकी ओवरऑल जैसे कि मैंने सब बता दिया फ्रेंड्स किस तरीके से कॉलिंग मिलता है, बैटरी बैकअप मिलता है, किस तरीके से गेमिंग आउटपुट मिलता है। लगभग मुझे अगर बाय करना रहेगा या फिर आपको रिकमेंड करना रहेगा सीरियल वाइज कौन सा करे, सबसे पहले रखूंगा ट्रूक के बस F1 अल्ट्रा को। तीनों ही एक साल के गारंटी के साथ आते हैं तो तीनों ही में कोई टेंशन नहीं आफ्टर सीजन की, तो ट्रूक को नंबर 1 पे रखूंगा मैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं रखूंगा यहाँ पे फ्रेंड्स बोल्ट ऑडियो X30 को यहाँ पे सेकंड नंबर पे, थर्ड पे रखूंगा विंग्स के फैंटम 345 को यहाँ पे। तो ये मेरा ऑर्डर है फ्रेंड्स यहाँ पे बाइंग का। यहाँ पे आप लोगों को बाय करना रहेगा तो बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तीनों का ही, आप लोग जो आप लोगों को पसंद है, बट मेरा रिकमेंडेशन कि बस F1 अल्ट्रा की तरफ जाइए। नया मॉडल है यहाँ पे और काफ़ी सही रिच फील दिखता है यहाँ पे, ओवरऑल सारे ही कॉम्बिनेशन पे सही निकलता है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा यहाँ पे वीडियो कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद भी करो तो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, पीस आउट।